इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करूंगा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 और प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट सेकंड। प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का पार्ट फर्स्ट मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। और जो हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो नेमिंग होती है वो मैंने वहां आपको एक्सप्लेन की थी, और टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, ये सब वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे और इनके फॉर्मूले भी। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट सेकंड को देख रहे हैं, तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट पार्ट को देखें, आपको आई बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और आप इजिली पार्ट वन पर पहुंच जाएंगे और वहां से उस लेक्चर को देखें, तब ही इस लेक्चर को देखें, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को तीन पार्ट के अंदर कवर करूंगा। पार्ट वन के अंदर तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये चीजें मैंने कवर की हैं। पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको आज कवर करूंगा मैक्सिमम हाइट, और दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी प्रक्षेप्य समीकरण, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको कवर करूंगा पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री के अंदर मैं आपको जितनी भी मैंने थ्योरी कराई है प्रोजेक्टाइल मोशन की, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सेक्शन। अब मैं आपको कवर करूंगा, एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो एम मास का ऑब्जेक्ट थीटा एंगल के साथ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, क्लियर। तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट से अर्थ की सरफेस से वो जो दूरी है, इस बॉल की, बॉल से अर्थ की सरफेस से जो दूरी है वो मैक्सिमम होगी, उसे बोलूंगा मैं मैक्सिमम हाइट। तो मुझे इस बॉल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट आपको एक्सप्लेन करनी है, वो कितनी होगी, क्लियर। देखो मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का बॉल है, थीटा एंगल के साथ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो टाइप के मोशन होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये पूरा फिगर बेसिक से एंड तक प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुका हूं, ठीक है। तो देखो इसके दो मोशन होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, क्लियर है। तो देखो U के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज UX, एक वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज UY। UY की वैल्यू हो जाएगी U साइन ऑफ थीटा, और UX की वैल्यू हो जाएगी U कॉस ऑफ थीटा, क्लियर। अब देखो ये बॉल मान के चलो यहां से इस पॉइंट पर आके पहुंच गई, यहां इस पॉइंट पर पहुंच गई, क्लियर। तो देखो इसके यहां पर दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस डायरेक्शन में, क्योंकि अभी गेंद ऊपर की तरफ जा रही है, क्लियर। तो इसे बोलूंगा मैं यू एक्स, इसको बोलूंगा मैं वी वाई, क्लियर। अब देखो आप, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये बॉल नीचे की तरफ जा रही होगी, मतलब इस पॉइंट पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है, वेग है, वो अब इस पॉइंट पर जीरो हो गया होगा। जीरो हो गया होगा तभी तो नीचे जा रही होगी। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो वी वाई क्या होगी, जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, बॉल सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही आगे की तरफ बढ़ रही होगी। तो इस पॉइंट से और अर्थ की सरफेस से जो बीच की दूरी है, इसे ही मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम दूरी, क्लियर। तो मुझे आपको यही एक्सप्लेन करना है कि एच मैक्सिमम कितना होगा। देखो एच मैक्सिमम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाइट, क्लियर। हाइट इस बॉल के द्वारा कितनी अटेन की जाएगी, मान के चलो ये बॉल इस पॉइंट पर पहुंच गई, तो इस पॉइंट से और अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो क्या है, एच मान लेता हूं, या मान के चलो यहां, अब ये बॉल यहां से चल के यहां पे आ गई, तो इस पॉइंट से और अर्थ की सरफेस से, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या बोल देता हूं, हाइट एच, क्लियर। तो पहले मैं आपको एच हाइट एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको मैक्सिमम हाइट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जो एच हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगा एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, क्लियर।
आपको यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है। तो देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ये होता है हाइट का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो मान के चलो थीटा को मैं 90 पुट कर देता हूं, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 90, थीटा 90 का मीनिंग क्या है? थीटा 90 का मतलब है साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन 90 1 का मतलब है कि साइन की वैल्यू कैसी होगी? 1 पर मैक्सिमम। अगर 1 पर मैक्सिमम होगी तो हाइट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब एच मैक्सिमम बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी, क्लियर। देखो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालूं, मैक्सिमम हाइट नहीं हाइट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ठीक है। यानी यहां के लिए फॉर्मूला, यहां के लिए, यहां के लिए, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ने के बाद, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है उस पॉइंट को छोड़ दो, इसके अलावा इस पैराबोलिक पाथ पर, ट्रेजेक्ट्री पाथ पर जो भी हाइट होगी वो कितनी होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। सिर्फ इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है उस पॉइंट पर क्या होगी? हाइट मैक्सिमम, और उस टाइम हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर बाई टू जी, और एंगल क्या रखेंगे आप? 90। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 90 के केस में साइन की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम। इसलिए हाइट भी कैसा होगा? मैक्सिमम, क्लियर है। तो ये मेरे पास एच मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट फर्स्ट के अंदर एक चीज कवर की थी जिसे मैं बोल रहा था हॉरिजॉन्टल रेंज, क्लियर। ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके ये जो पॉइंट था यहां तक के बीच की जो दूरी थी उसे मैं क्या बोल रहा था? हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। यानी टारगेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच की दूरी को मैं क्या बोल रहा था? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर एच बराबर हॉरिजॉन्टल रेंज यानी छत्तीस प्रास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर। ये फॉर्मूला आपको बताया था। अगर मुझे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, क्या निकालना है? मैक्सिमम, क्लियर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थीटा को 45 रखना होता था, क्योंकि थीटा 45 रखेंगे तो 45 इंटू 2 90, और साइन 90 की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम होगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। तो थीटा मुझे 45 रखने पर रेंज कैसी मिल जाएगी? मैक्सिमम, क्लियर। तो वो वैल्यू कितनी निकल के आ गई? यू स्क्वायर बाई जी, क्लियर है। तो देखो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, सॉरी हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर बाई टू जी, क्लियर। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है रिलेशन एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम के बीच का, इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट आपको सवाल मिलेगा और आप डायरेक्ट हिट करोगे, क्लियर। तो देखो अब मुझे आपको रिलेशन एक्सप्लेन करना है, रिलेशन बिटवीन एच मैक्सिमम एंड आर मैक्सिमम, क्लियर। देखो एक काम करो आप, एच मैक्सिमम को आर मैक्सिमम से डिवाइड कर दो, क्लियर। अब देखो एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी, और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर बाई जी। सॉल्व करो इसको, या जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी इन टू जी अपॉन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया, बचा क्या? 1/2। अब जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर मैक्सिमम बराबर कितना निकल के आ जाएगा? आर मैक्सिमम बराबर 2h मैक्सिमम। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया जो कि आपके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेगा, क्लियर है। देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के साथ थ्रो कर रहे हैं तो जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम रेंज इस मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस होगी, डबल होगी, क्लियर है। यानी मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है और मैंने 45 डिग्री के साथ थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, इसकी जो रेंज है मान के चलो वो ये है, ये मैक्सिमम रेंज है, यहां तक, यहां से यहां तक की जो रेंज है वो क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, क्योंकि मैंने थीटा कितने पर प्रोजेक्ट किया? 45 पर। तो अब जो मैक्सिमम रेंज होगी वो क्या होगी? वो बराबर होगी इस एच मैक्सिमम के ट्वाइस, ठीक है, डबल ऑफ एच मैक्सिमम, क्लियर है। और आप यहां से अगर एच मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? आर मैक्सिमम का आधा, आर मैक्सिमम बाई टू, क्लियर है। अब देखो ये चीजें तो हो गई, आपको एच मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, और आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम के बीच का रिलेशन ये नोट करो। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी प्रक्षेप्य का समीकरण, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी प्रक्षेप्य समीकरण इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपको। जैसे ही मैं यहां थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, तो उसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस भी कवर करूंगा। क्लियर है? तो देखो ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग होता है पाथ। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन का मीनिंग होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के बीच में संबंध। क्लियर है? मतलब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इसको थीटा एंगल के साथ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो वो एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चला। ठीक है? अब इन दोनों डिस्टेंस में एक्स और वाई डिस्टेंस में मुझे जो रिलेशन एक्सप्लेन करना है वो किसकी हेल्प से करूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है? तो देखो मतलब ये है कि मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट को मैं थीटा एंगल के साथ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो ये बॉल एक्स डायरेक्शन में जा रही है और एक्स डिस्टेंस कवर करती है, ये वाई डायरेक्शन में मान के चलो वाई डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं पी पॉइंट, और इस पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। क्लियर है? तो देखो आप एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन यानी क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मोशन। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, यानी जो वाई डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, वर्टिकल मोशन यानी ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज डायरेक्शन में जो होगा मोशन उसे मैं क्या बोलूंगा, यू एक्स, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, यू वाई। क्लियर है? तो दो टाइप की वेलोसिटी होंगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी, यू एक्स एंड यू वाई। देखो मुझे सबसे पहले एक्सप्लेन करना है आपको यू एक्स, फिर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है यू वाई। इन दोनों के बीच में मुझे आपको रिलेशन एक्सप्लेन करना है। अगर ये रिलेशन निकल के आ जाएगा तो इन दोनों रिलेशन की हेल्प की वजह से, यू एक्स और यू वाई की वजह से एक ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बन के आएगी, और उसी के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री की चीज़ें समझना जरूरी है, जो कि डेरिवेशन से ही क्लियर होंगी। ठीक? तो देखो मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है? मान के चलो वो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, एक्स, वेलोसिटी कौन सी एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब बताओ जो वेलोसिटी होती है वो एक्स डायरेक्शन में क्या होती है, कॉन्स्टेंट, और वाई डायरेक्शन में क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। क्लियर है? तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, दैट मींस एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई पूरे सिस्टम से करूंगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई, यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, ये वैल्यू निकल के आ गई एक्स की। क्लियर है? अब देखो यहीं से मैं, अब मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, तो देखो ऐसी जगह क्या पुट कर दूं, वाई, वाई बराबर यू इंटू टी। अब देखो यू कौन सा, वाई यानी यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस हाफ, ए कौन सा ऊपर, यानी हम जी का अपोज कर रहे हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का जी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो वाई बराबर आ जाएगा, यू वाई की वैल्यू कितनी होती है, यू साइन ऑफ थीटा। अब देखो आप यहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हो इस सिस्टम में से, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। तो देखो टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये, एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहां देखो इसको मैं वाई बराबर लिख सकता हूं, U से U खत्म, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन, तो ये आ गया x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन होती है इसे ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी प्रक्षेप्य समीकरण, y और x के बीच का रिलेशन। ठीक है? इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? अब देखो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो, क्वेश्चन को मुझे कैसे हिट करना है। इसी इक्वेशन को
मुझे कंपेयर करना है, आप ध्यान से देखो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट इज वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने। तो देखो एक्स तो एक्स ही रहा, एक ही जगह का पुट कर दूंगा टेन थीटा, तो देखो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए बराबर टेन थीटा, क्लियर। अब इसमें आओ आप, ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये कंपेयर करना है मुझे, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी जी अपॉन टू यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया बी की वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर आपको जनरली यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपको इक्वेशन दे रखी होगी और आपसे पूछ रहा होगा कि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ या उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ। तो देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आप क्या करोगे, ए बराबर टेन थीटा पुट कर दोगे, इक्वेशन दे रखी हो आपको, दे रखी होगी, तो वहां से आप क्वेश्चन ए बराबर टेन थीटा पुट कर दोगे, वो जो वैल्यू दे रखी होगी तो आप यहां से थीटा निकाल सकते हो। इस टाइप से आपको यहां से सवाल करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो आगे, अब देखो ये जो इक्वेशन है एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पावर कितनी है दो, तो ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, इसलिए जो पाथ होता है और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो कैसा होता है, ट्रिजेक्टरी पाथ होता है या पैराबोलिक पाथ होता है, क्लियर, क्योंकि इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक, ठीक है। तो देखो ये नोट करो, इसके बाद मैं आपको फिर इन पर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप्य कोण बताओ कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन, y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो किससे इक्वेशन से कंपेयर करना है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से, क्लियर। देखो x तो यहां पर है ही है, ये रहा a बराबर क्या हो जाएगा रूट थ्री, और a क्या था टेन थीटा, क्या होगा ये टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी रूट थ्री। तो देखो यहां से थीटा निकालोगे तो सिंपल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, बस इतना आसान सवाल है, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, कंपेयर करो और इजीली आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड सवाल, देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक, और आपको इस सवाल के अंदर बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यानी जब आप बॉल को थ्रो कर रहे होंगे तो शुरुआत की वेलोसिटी कितनी होगी, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सवाल है y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, क्या बताना है आपको, u बताना है कितना होगा, ठीक। तो देखो सिंपल अगेन हमें क्या करना है, वही कंपेरिजन करना है y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी कहाँ आ रही है, b वाली टर्म के साथ या a वाली टर्म के साथ, b वाली टर्म के साथ, ये तो था ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या था बी एक्स स्क्वायर, तो इस b टर्म के साथ क्या आ रहा है वेलोसिटी, तो मैं किसकी हेल्प से यहाँ पर वेलोसिटी निकालूंगा, b टर्म की हेल्प से। तो देखो आप यहाँ सवाल के अंदर आपको क्या गिवन है, हाफ एक्स स्क्वायर पूरा गिवन है, हाफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा वन। हाफ को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर ऑलरेडी आपको हाफ गिवन है, हाफ एक्स स्क्वायर भी है और हाफ है, तो आपके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लेंगे आप वन, तो आप यहां से सॉल्व कर दो, तो जी बराबर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब देखो आप यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, जी की वैल्यू तो मुझे पता है टेन है, लेकिन थीटा कैसे निकालूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, आप देखो थीटा निकाल दो, आप थीटा बराबर टेन थीटा बराबर रूट थ्री, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से कितना निकल के आएगा थीटा 60, और यहां कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का क्या कर दो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो ये आ गया 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 10,
ये आ गया यू स्क्वायर, और यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√10 m/s, यानी बॉल को इस शुरुआती बेग से प्रोजेक्ट करेंगे 2√10 m/s। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम हाइट, इसके बाद मैं आपको पार्ट 3 और लेके आऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जितने भी मैंने आपको थ्योरी कराई है प्रोजेक्टाइल मोशन की, उन सभी के क्वेश्चंस जो कि डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।